डेटा एंड मार्केटिंग एसोसिएशन का एक रिसर्च है जिसके थ्रू पता चला है कि अगर आप $1 अपना इन्वेस्ट करते हैं ईमेल मार्केटिंग पे, तो आप उससे एटलीस्ट $32 का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा एंड मार्केटिंग एसोसिएशन का रिसर्च है, उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी टाइप का ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक अपने बिजनेस में ईमेल मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करा है, तो आप टेबल के ऊपर रखा हुआ पैसा छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा ईमेल मार्केटिंग की, आप स्क्रैच से लेके प्रो तक कैसे आप ईमेल मार्केटिंग को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे ईमेल मार्केटिंग काम करती है, ठीक है। तो जो है 6 वीडियो की मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर पहली वीडियो होगी जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ईमेल मार्केटिंग है क्या, जो ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं। सेकेंड वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे लोगों को साइनअप करवा सकते हैं अपनी ईमेल लिस्ट के लिए, ठीक है, अगर आप फ्री ट्रैफिक यूज़ करना चाह रहे हैं तो कैसे, और अगर पेड करते हैं तो कैसे, ठीक है, दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, वो क्रिएट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेलकम पेज वगैरह क्या क्रिएट करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपको ईमेल मार्केटिंग से ज़रूरत है, वो 6 या 7 वीडियो की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और आप ये बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स टाइप है ईमेल मार्केटिंग का, तो अगर आप जेन्युइनली ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करी है, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग काम कैसे करती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 4-step प्रोसेस है, ठीक है, और ये टोटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है, एक बार आपको सेटअप करना है और ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, ठीक है, बाद में आपको कुछ भी इसके अंदर मैनुअली कुछ भी नहीं करना होता ईमेल मार्केटिंग में, एक ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। जो 1st step होता है वो होता है ट्रैफिक, ठीक है, सबसे पहले आपका आता है ट्रैफिक। ट्रैफिक किसी भी टाइप का ट्रैफिक हो सकता है, आप पेड ट्रैफिक ला सकते हैं, फ्री ट्रैफिक ला सकते हैं। अगर मैं पेड ट्रैफिक की बात करूँ तो पेड ट्रैफिक वो होता है कि आपने फेसबुक पे एड्स रन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स रन कर रहे हैं ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक है, जिससे लोग आपकी ईमेल लिस्ट पे साइन अप कर ले। या फिर आपके पास फ्री ट्रैफिक हो सकता है, लेट सपोज आपके पास कोई ब्लॉग है, या फिर आपके पास आपका यूट्यूब चैनल है, या इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है, या कहीं पे भी आपके पास फॉलोइंग है, जिस फॉलोइंग को आप अपनी ईमेल लिस्ट के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला होता है स्टेप ट्रैफिक, जो आपका ट्रैफिक होगा ये आपके ऊपर है, आप कोई सा भी ट्रैफिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार आपके पास ट्रैफिक आ गया, आप उनको साइन अप कैसे करवाएंगे अपने ईमेल लिस्ट के अंदर, वो प्रोसीजर ये है कि पहले आपका ट्रैफिक है, आप उस ट्रैफिक को डायरेक्ट लैंडिंग पेज के ऊपर ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब लैंडिंग पेज के ऊपर क्या होता है कि अगर आपको उनका ईमेल चाहिए तो आपको एक्सचेंज में भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी वो आपको आपका ईमेल एड्रेस देंगे, ठीक है। तो अगर मैं ईमेल के एक्सचेंज में आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जो प्रोवाइड करेंगे उसे कहते हैं लीड मैग्नेट, ठीक है, जो आप ये अपने लैंडिंग पेज के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। लीड मैग्नेट कुछ भी हो सकता है, लीड मैग्नेट के अंदर आप ई बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्री कोर्सेज दे सकते हैं, या किसी टाइप की फ्री ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फ्री वेबिनार दे सकते हैं, जो भी आपके पास फ्री कंटेंट अवेलेबल है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो उनके लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वो आपके ईमेल लिस्ट के अंदर साइनअप करेंगे, ठीक है। एक बार आप वहाँ पर साइनअप फॉर्म क्रिएट करेंगे लैंडिंग पेज के ऊपर, मैं आपको फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और देन लैंडिंग पेज से आपका ड्राइव होगा ट्रैफिक थैंक यू पेज के ऊपर, जहाँ पे अगर आप पहले से ही कोई प्रमोट करना चाहते हैं ऑफ़र को, तो आप ऑफ़र डाल सकते हैं, या फिर मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कि डायरेक्ट आप ऑफ़र पेज करें थैंक यू पेज पे, ठीक है, आप थोड़ा टाइम दें एक प्रोसीजर के बाद उनको पेज करें, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। या फिर थैंक यू पेज के ऊपर आप कॉल टू एक्शन ला सकते हैं, लेट सपोज जिसने भी आपके ट्रैफिक जिसने भी आपकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करा, आप उनको YouTube चैनल के ऊपर फॉरवर्ड कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, या फिर Instagram पे ला सकते हैं, या फिर अपने ब्लॉग को विजिट करवा सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल एक थैंक यू पेज क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा कि थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग अवर ईमेल लिस्ट, ठीक है, और उसके बाद थैंक यू पेज के ऊपर ही उनको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं उनको ईमेल के थ्रू डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, इनमें से आप जो आपको सही लगे वो आप कैसा कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, ठीक है। वंस दे साइन अप,
ठीक है, एक बार वो आपकी लिस्ट में आ चुके हैं, अब जो है मेन प्रोसीजर गेम स्टार्ट होता है वो होता है ईमेल लिस्ट। यहाँ पे ईमेल लिस्ट में ये है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे लैंडिंग पेज के थ्रू आपको साइनअप करेगा उनका जो ईमेल होगा वो ईमेल लिस्ट के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको जैसे कि ये कोई प्रोडक्ट पिच करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो ईमेल जाएगा आपका साइनअप करने के बाद जो वेलकम ईमेल होगा, ठीक है, वेलकम ईमेल के अंदर आप अपनी डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं लीड मैग्नेट की, या फिर आप एक अलग से ईमेल क्रिएट कर सकते हैं लीड मैग्नेट के लिए और उसके बाद एक और वेलकम पेज भेज सकते हैं। ठीक है, अब वेलकम पेज क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो फीचर में आपकी नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, वेलकम ईमेल क्रिएट करना है। सेकंड, एक दिन छोड़ के या फिर एक दिन के बाद, या आप जैसा आपको लगता है कि अगर आप डेली ईमेल करना चाहते हैं तो डेली कर सकते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप डेली ईमेल करें, ये थोड़ा अग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, एक दिन के बाद एक दिन का गैप लेके आप ईमेल कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, और ये आपको खुद नहीं करना है कि एक सिस्टम क्रिएट करेंगे ऑटोमेटेड, वो आपके लिए करेगा। ठीक है, तो आपका पहला जो ईमेल जाएगा वो जाएगा वेलकम ईमेल, फिर एक दिन का गैप लेके फिर आपने कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी, जैसे आपने लीड मैग्नेट प्रोवाइड करा था वैसे ही आप वैल्यू के थ्रू कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट सपोज आपने एक ईमेल के थ्रू जो ईबुक प्रोवाइड करी थी लीड मैग्नेट के उसमें केस में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू में फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री 3-4 वीडियोस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या वेबिनार प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एक और आप ईमेल करेंगे, उसके अंदर भी आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा एजुकेशन दे सकते हैं उस प्रोडक्ट। ठीक है, एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपको लास्ट में पिच करना है, जो बेचना है आपको, ठीक है, तो जो आप चाहते हैं कि आपके ईमेल सब्सक्राइबर खरीदें उनसे रिलेटेड ही आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। लेट सपोज मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको क्या करना है, इन दो मेल के अंदर इतनी वैल्यू प्रोवाइड करनी है जिससे आप उनके अंदर लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आए। अगर आप लेट सपोज ब्लॉगिंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो आप थोड़े SEO के टिप्स दे सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको रैंकिंग के थ्रू दे रैंकिंग के अंदर वो रैंक कैसे कर सकते हैं वो बता सकते हैं, या अच्छा वो कंटेंट आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं ब्लॉग के ऊपर SEO ऑप्टिमाइज्ड, ये आप बता सकते हैं, या कुछ प्लगइन सजेस्ट कर सकते हैं जो उनके ब्लॉगिंग करियर में हेल्प करे जिससे आप उनके बीच में और आपके बीच में ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, तो अगर नेक्स्ट आप जब अपना प्रोडक्ट पिच करें तो वो इंटरेस्टेड हों आपके प्रोडक्ट के अंदर और वो खरीद लें उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो बेसिकली ये एक प्रोसीजर होता है जिसके अगर जो बंदा आपके पास ट्रैफिक के अंदर जो अननोन था, जो आपकी ईमेल लिस्ट में नहीं था, आपके इंस्टाग्राम फॉलोवर में था, ब्लॉग पे या यूट्यूब सब्सक्राइबर था, आपके बीच में उसका इतना ट्रस्ट बिल्डअप नहीं था, ठीक है, और आप नहीं चाहते हैं कि जो वैल्यू है वो आप फ्री में यूट्यूब पे या फिर कहीं प्रोवाइड करें, तो आप ईमेल लिस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज जो ईमेल लिस्ट के अंदर आपको बंदा सब्सक्राइब करने वाला है वो एक आपका पोटेंशियल कस्टमर है, वो आपके अंदर इंटरेस्टेड है आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए, तभी उसने आपको ईमेल लिस्ट के अंदर अपने मतलब आपकी ईमेल लिस्ट में उसने अपने आपको सब्सक्राइब करवाया है। ठीक है, तो बेसिक सा ये एक मॉड्यूल है जो मैं आपको बताना चाह रहा था फर्स्ट एपिसोड के अंदर कि ईमेल मार्केटिंग काम कैसे करती है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, मैंने अपनी जीमेल आईडी नीचे प्रोवाइड करी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप नए थे इस चैनल के ऊपर, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए। करंटली मैं एक सीरीज़ रन कर रहा हूँ ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड, ठीक है, तो अगर आप ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ कंटेंट हेल्पफुल लगा है ठीक है, तो आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये शेयरेबल कॉन्टेंट है, आपको किसी फ्रेंड को ज़रूरत है इसकी, तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यही था आज की वीडियो में, थोड़ा बेसिक बताया मैंने जिससे कि कुछ इनिशियल जो लोग हैं जिनके पास बेसिक क्लियर नहीं है वो समझ जाएं कि ईमेल मार्केटिंग काम कैसे करती है, तो वो आगे अपना ईमेल मार्केटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिज़नेस कर रहे हैं तभी, अगर आप सिंपल एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं तो भी आपको ईमेल मार्केटिंग ज़रूर इंटीग्रेट करनी चाहिए अपने बिज़नेस में। ठीक है, तो फॉर नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके मुझे बताना, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।